Hey guys, welcome back to the channel Education and Sarkari Documents. Education and Sarkari Documents पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है. दोस्तों, आधार सेंटर के लिए जो आप एग्जाम देते हैं ऑपरेटर और सुपरवाइजर का, जिसमें कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वही पीडीएफ है जो अब हम हिंदी में शुरू करने जा रहे हैं. टोटल 9 चैप्टर हैं, इसमें भी 500 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको पूरा का पूरा पेपर देखने को मिलता है. इससे पहले हमने इंग्लिश के लेक्चर शुरू किए थे. ये इंग्लिश की चैप्टर पीडीएफ है जो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक में से डाउनलोड कर सकते हैं. इंग्लिश और हिंदी दोनों ही अवेलेबल है. टोटल 9 चैप्टर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सेम अब हम हिंदी में शुरू करने जा रहे हैं. तो अगर आपने इंग्लिश वाली सीरीज नहीं देखी है तो नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं. तो उससे पहले मैं आप लोगों को शुरू करने से पहले बता दूं पेपर फॉर्मेट. तो 9 चैप्टर टोटल हैं, जिसमें कितने क्वेश्चंस हैं और किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये पूरा बायफर्केशन यहाँ पर दिया गया है. टोटल 500 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, 508 510 के करीब, और उसमें से 110 क्वेश्चंस आपको एज इट इज पेपर में देखने को मिलेंगे. तो आधार सेंटर कैसे खोलना है, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, ये सारी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे. फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. आज शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 1 हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेसिफिकली, आधार यानी कि UIDAI और आधार का परिचय. पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि नामांकन पहचान संख्या, यानी जब भी कोई आधार कार्ड के लिए एनरोलमेंट करने के लिए आता है, आप उनको एक एनरोलमेंट आईडी देते हो जो जिसमें डेट टाइम और सारी चीजें मेंशन होती हैं. तो जो वो नामांकन पहचान संख्या है, नामांकन के समय निवासियों को आवंटित जो एक संख्या दी जाती है वो कितने अक्षरों की होती है, तो ईआईडी जो आपका होता है दोस्तों वो होता है 28 अंकों का. तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है. आधार संख्या 12 नंबर की होती है बट ईआईडी आपका 28 नंबर का होता है. सेकंड क्वेश्चन कहता है यूआईडी जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है, कौन सा संगठन जिम्मेदार है. यूआईडी संगठन किसके द्वारा है, यूआईडीएआई द्वारा. तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 3, आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन अद्यतन की अवधि से 180 दिन के लिए भारत में रहे हों. तो बिल्कुल करेक्ट है ये कि अगर आप आधार कार्ड लेना चाहते हैं, ये उन सभी निवासियों को दी जाएगा जो भारत में कम से कम 180 दिन के लिए आप भारत में रहे हों. तो ये डे आपको याद रखने है, 180 कहीं पे 182 मिलेगा, दोनों ही करेक्ट है, वो आपको याद रखना है. अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आधार सर्जन के लिए जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवासी के डाटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं. ये प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नामांकन यानी कि एनरोलमेंट करना. आप उनके डेमोग्राफिक्स और बायोमेट्रिक डिटेल्स को कैप्चर करते हो तो इसको कहते हैं एनरोलमेंट, नामांकन. अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है, कौन सा घटक नहीं है, कंप्यूटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, बम डिटेक्टर, आईरिस स्कैनर. तो बम डिटेक्टर जो इसमें बताना नहीं है, तो बम डिटेक्टर आएगा आपका यहाँ पर, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आएगा करेक्ट. ये थोड़ा मेंशन गलत है तो यहाँ पर आप बी कर लीजिए, मैं पीडीएफ में ठीक करके अपलोड कर दूंगी. तो यहाँ पर बी आएगा आपका, बायोमेट्रिक डिवाइसेस भी होगा, कंप्यूटर भी होगा और आईरिस स्कैनर भी होगा. तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है. नेक्स्ट है 6, निवासी एक व्यक्ति है जो आधार नामांकन अद्यतन के लिए आवेदन की तारीख से पहले 12 महीनों में कितने दिन तक रहा हो, 182 जो मैंने आपको ऊपर बताया था, तो यहाँ पे 180 नहीं है 82 है, तो 82 पे टिक कर देंगे. ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 7, डैश व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा उपयुक्त कोई संस्था है, डैश व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कौन सी संस्था है, नामांकन एजेंसी, एनरोलमेंट एजेंसी. तो आपका बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आधार नामांकन अद्यतन अधिनियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था, तो ये जो गजट में कब प्रकाशित हुआ था, ये हुआ था 12 सितंबर 2017 को. डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 9, UIDAI क्यों बनाया गया, क्यों बनाया गया, डुप्लीकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए, मजबूत तकनीकी प्रदान करने के लिए, ऐसी पहचान प्रदान करना जिसे एक आसान, लागत और प्रभावी तरीके से सत्यापित किया जा सके. तो दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10, आधार नामांकन अद्यतन प्रक्रिया से आपका क्या मतलब है, तो क्या मतलब है, आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित करने की प्रक्रिया है. तो बिल्कुल, जब आप एनरोलमेंट करते हो तो क्या करते हो, उसकी डेमोग्राफिक्स भी लेते हो और बायोमेट्रिक्स भी, यानी कि जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक भी. तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 11,
डैश एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकरण है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध पीओआई या पीओए नहीं है। तो ये कौन करेगा? ऑपरेटर, परिचयकर्ता, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, जो कि ये देखेगा कि जो डॉक्यूमेंट्स दे रही हैं वो वैलिड है या नहीं। अगला क्वेश्चन, यूआईडीआई इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया 12 जुलाई 2016। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने यूआईडीआई की स्थापना की? कि तो किसने की स्थापना की? भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 14th क्वेश्चन कहता है, डैश वह स्थान है जहां प्रमाणित ऑपरेटर पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामांकन अद्यतन का कार्य किया जाता है। तो क्या है वो? नामांकन केंद्र पर ये सब किया जाता है, जहां पर एनरोलमेंट या फिर कोई भी अपडेशन करनी हो। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 15th क्वेश्चन, निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? तो पहचान के लिए किसका करेगा? या आपकी आंखों की पुतली भी होती हैं और उंगलियों के निशान भी। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि नाम और पता, नाम अलग हो सकता है लेकिन पता तो सेम हो सकता है अगर एक ही फैमिली के लोग होंगे। तो उंगलियों के निशान अलग होंगे और आंखों की पुतलियां यानी कि फिंगरप्रिंट्स और आईरिस जो स्कैन होगा वो अलग अलग होगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि बी और सी दोनों ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, डैश ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए परमानन परीक्षा आयोजित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जो आप ये एग्जाम दोगे किससे दोगे? एनएससीआईटी से, परीक्षा और परमानन एजेंसी है इसके लिए। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार विशिष्ट है क्योंकि? आधार सबसे अलग क्यों है? क्योंकि दो निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, सत्यापनकर्ता प्रमाणनकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए डैश द्वारा नियुक्त कार्मिक है। तो किसके द्वारा नियुक्त कार्मिक है? यह है रजिस्ट्रार द्वारा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, आधार नामांकन अपडेट कौन कर सकता है? तो कौन कौन कर सकता है आधार नामांकन अपडेट? एक व्यक्ति जो कि आधार नामांकन के लिए आवेदन की तिथि से पहले 12 महीनों में कम से कम 182 या उससे अधिक दिन भारत में रहा हो। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन अध्ययन प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं? कौन करता है? आपको कौन ये बताएगा कि आप एनरोलमेंट और अपडेशन की प्रक्रिया का संचालन कर सकते हो? तो एनरोलमेंट एजेंसी, नामांकन एजेंसी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है आपको वो बताना है। यह सिर्फ एक आधार कार्ड है या फिर आधार कार्ड संख्या सर्जन हेतु जनसांख्यिकी बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित और रिकॉर्ड करेगा? बी ऑप्शन आपका ठीक है। जब आप आधार कार्ड बनवाने जाएंगे तो आपकी जनसांख्यिकी यानी कि डिमोग्राफिक्स और बायोमेट्रिक डिटेल्स इकट्ठी की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है? आधार के बारे में कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाता है। बिल्कुल, क्योंकि सबके पास यूनिक आईडी होती है। क्वेश्चन नंबर 23, आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाएगा? नहीं, आप ये नहीं कि आपके पास आधार कार्ड है तो आप इंडियन सिटीजन हो ये माना जाएगा, तो नागरिकता साबित करने के लिए ये नहीं किया जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, निवासी अपनी आधार संबंधी शिकायतों और समस्याओं के लिए किस नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं? तो टोल फ्री नंबर है 1947, ना याद रहे तो भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 यहाँ पर नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, डैश नामांकन एजेंसी के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई संस्था है, कौन सी संस्था आपको बताना है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है, रजिस्ट्रार। क्वेश्चन नंबर 26, डैश संख्या निवासियों को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है। क्या जो आधार संख्या है वो निवासियों को आधार सूचित करने के लिए एक दस्तावेज है, सच या झूठ? यहाँ पे झूठ आएगा आपका, ऑप्शन बी, आधार संख्या लिखा जाएगा यहाँ पे। 27,
नामांकन केंद्रों पर नामांकन अद्यतन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित एक प्रमाणित कर्मचारी है, क्या है, क्या आएगा यहाँ पर, कौन है? नामांकन पर्यवेक्षक, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, आधार 15 अंकों की एक संख्या है, झूठ है, गलत है ये, क्योंकि आधार 12 अंकों की एक संख्या है। लास्ट क्वेश्चन, यूआईडीआई का दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणीकृत करने के लिए एक डिजिटल मंच के साथ सशक्त बनाता है, सच या झूठ? बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाता है, जो था आधार और यूआईडीआई के बारे में जानकारी। इसी तरीके की और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम हर रोज आके ये पूरे के पूरे 9 चैप्टर कंप्लीट करेंगे आप लोगों के लिए। मैक्सिमम इसमें 10 से 12 दिन लगेंगे। इंग्लिश मीडियम ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, और अगर आपका एग्जाम जल्दी है तो आप नीचे दी गई पीडीएफ पर लिंक पर पीडीएफ भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट कैसे देना है, कैसा टेस्ट आएगा, कितना सिलेबस होगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, इस तरीके की तमाम वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिएगा चैनल पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।